हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A59 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को सेव कैसे कर सकते हैं और किसी भी नंबर को आप सेव कैसे कर पाएंगे ओप्पो A59 5G फ़ोन में, और नंबर वगैरह को सेव कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को कैसे सेव कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको बस स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे नंबर्स वगैरह को सेव कर सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को कैसे सेव कर सकते हैं, तो पहले तो सेटिंग से बैक करके आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना होगा। फ़ोन आइकन्स पे जाकर जिस भी नंबर को सेव करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे जाना होगा। तो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे जाकर जो भी नंबर आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं और फ़ोन में नंबर को सेव कर पाएंगे। पहले तो फर्स्ट नेम डाल देना, जो भी आपका नेम है फर्स्ट, फिर आपको लास्ट नेम डाल देना है, फिर आपके पास कंपनी या फ़ोन नंबर डाल देना, जो भी आपका नंबर है, फिर सेव कर देना, जिससे नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से भी नंबर को सेव कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो यहाँ से जाकर डायल पैड के जरिए भी नंबर को सेव कर सकते हैं। आपको बस क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें नेम वगैरह डाल के आप सेव कर सकते हैं, और मतलब जो भी आप नेम वगैरह डाल के सेव कर सकते हैं, नंबर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से भी नंबर को सेव कर सकते हैं अपने ओप्पो A59 5G फ़ोन में, नंबर को सेव भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।